हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अबेदास किचन। हाय, मैं हूँ अबेदा। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज के पकोड़े। बरसात का मौसम है और ऐसे में प्याज के पकोड़े ना बनाएं तो कितनी इनकम्प्लीट सी लगती है बरसात। एटलीस्ट मुझे तो लगती है, और अगर आपको भी लगते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए लेंगे 4 मीडियम साइज़ की प्याज, उसे ऐसे पतला काट लें। उसमें डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से और उसे मलना शुरू कर देंगे। मलने से हम इसके लच्छे भी अलग करेंगे और इसे हम स्क्वीज़ करते जाएंगे ताकि प्याज नरम हो जाए, और नमक डालने से प्याज पानी छोड़ेगा तो पानी जो निकलेगा हमें बाद में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ी भी तो बहुत कम। ये देखिए प्याज नरम हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च 3 बारीक कटी हुई, धनिया पत्ता डालेंगे 4 टेबलस्पून, हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, और इसमें डालेंगे बेसन। यहाँ पे मैंने 3/4 कप बेसन डाली है, और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से ये थोड़ी क्रंची रहेगी ज़्यादा समय तक। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अगर आपको ये थोड़ा सूखा लगे तो आप इसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं। अब इसे हम फिर से मिक्स कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में लेंगे हम तेल। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और प्याज को ऐसे शेप देते हुए हम फ्राई करना शुरू करेंगे। पहले 30 सेकंड के लिए इसे हम हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, और जब तक ये गोल्डन यानी सुनहरा नहीं हो जाता तब तक हम इसे फ्राई करेंगे, और बीच बीच में ऐसे स्टर करते रहेंगे और ऐसे पलटते रहेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब ये गोल्डन हो गया है, अब हम इसे तेल से रिमूव कर लेंगे। कितना यमी लग रहा है। अब ऐसे ही सारे पकोड़े को तेल से निकाल दीजिए। देखिए बढ़िया पकोड़े बनके तैयार हैं। अब जो बाकी बचा हुआ है उसे भी हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। ऐसे फ्लिप करते रहेंगे, पलटते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे बीच बीच में, और फ्राई कर लेंगे। और जो पकोड़े ऑलरेडी गोल्डन हो चुके हैं उसे हम तेल से रिमूव कर लेंगे, और बचे हुए पकोड़ों को भी ऐसे फ्लिप करते रहें, बीच बीच में स्टर करें और फ्राई करें। ये भी अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे भी हम तेल से रिमूव कर लेंगे, और गर्मा गर्म प्याज के पकोड़े बनके तैयार हैं। इसे गार्निश करें धनिया के पत्तों के साथ और सर्व करें केचप के साथ। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही डिलिशियस बनती है ऐसे बनाने से। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।